वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज ये आखिरी पार्ट है। इससे पिछले 3 वीडियोस में हमने पहले वीडियो में यहां से लेकर यहां तक कवर किया सभी वर्ब्स को, दूसरे वीडियो में यहां से लेकर यहां तक और ये कवर किया, तीसरे वीडियो में हमने ये और यहां से लेकर यहां तक पूरा कवर किया। आज हम ये और ये सारा कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके इन वर्ब्स की, जिनको बहुत टफ माना जाता है। और टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं एग्जांपल्स के साथ में। ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और नोटबुक पे भी आप नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट को। नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप नोट्स पढ़ सकते हैं और उन्हें नोट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुड हैव हैड से। शुड हैव हैड का यूज दो सेंस में किया जाता है। पहला सेंस, पास होना चाहिए था, किसी के पास कुछ होना चाहिए था। और दूसरा सेंस, खाना या पीना चाहिए था। अच्छा, खाने को हम ईट कहते हैं, पीने को हम ड्रिंक कहते हैं, और पीने या खाने के लिए हम ईट या ड्रिंक की जगह पे टेक का भी यूज करते हैं। उसी तरह से खाने या पीने के लिए हैव का भी यूज किया जाता है। अभी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सेंस के लिए, पहला सेंस क्या है, पास होना चाहिए था, इसके लिए देखिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। आई शुड हैव हैड माय अम्ब्रेला टुडे एज इट्स रेनिंग हैवीली। आई शुड हैव हैड, मेरे पास होना चाहिए था, माय अम्ब्रेला, मेरा छाता, आज मेरे पास अपना छाता होना चाहिए था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। यू शुड हैव हैड योर ओन कैलकुलेटर, आपके पास अपना खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ पेन टू राइट, उसके पास एक पेन होना चाहिए था लिखने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए था, ऐसे में आप शुड हैव हैड का यूज करते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा सेंस है, खाना या पीना चाहिए था, ऐसे में एग्जाम्पल क्या हो सकता है। They should have had the food before they left for the movie. They should have had the food. उन्हें खाना खा लेना चाहिए था। यहां पर had की जगह पे eaten या taken भी कहा जा सकता था, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि खाने को eat भी कह सकते हैं, take भी कह सकते हैं और have भी कह सकते हैं। तो यहां पर have की third form had का use किया गया है। I should have had a cup of tea in the morning today. आज सुबह मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए थी। We should have had breakfast in the morning. हमें आज सुबह ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था, यानी ब्रेकफास्ट खा लेना चाहिए था। तो किसी चीज को खाना चाहिए था या पीना चाहिए था, उसके लिए भी आप should have had का यूज करते हैं। तो should have had का यूज दो सेंस के लिए आपको रट लेना है। नोट्स में भी ये बात आपको मिलेगी, फिलहाल आप समझते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं must have had पे। must और should में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि must के केस में ना कोई काम जरूरी था, बहुत जरूरी था, ये निकल के आता है सेंस। तो यहां पर मस्ट हैव हैड का यूज दो सेंस में किया जाएगा शुड हैव हैड की तरह से। पहला सेंस, पास होना ही चाहिए था, यानी कि पास जरूर होना चाहिए था, किसी व्यक्ति के पास कुछ जरूर होना चाहिए था। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन दूसरा सेंस क्या है यहां पर, जरूर खाना चाहिए था या जरूर पीना चाहिए था। एग्जांपल्स लेते हैं पहले वाले सेंस के लिए। These poor kids must have had at least books to read after 70 years of independence. इन गरीब बच्चों के पास कम से कम किताबें तो होनी चाहिए थी, किस लिए, to read, पढ़ने के लिए, after 70 years of independence, स्वतंत्रता के 70 साल के बाद इन गरीब बच्चों के पास कम से कम पढ़ने के लिए किताबें तो होनी चाहिए थी, होनी ही चाहिए थी, यानी जरूरी था इनके पास ये होना, इसलिए यहां पर मस्ट हैव हैड का यूज किया गया। यू मस्ट हैव हैड सम ऑफ द ट्रिक टू सॉल्व सच अ ट्रिकी क्वेश्चन। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ट्रिक तो होनी चाहिए थी। ही मस्ट हैव हैड एटलीस्ट अ कैमरा टू रिकॉर्ड वीडियोस। उसके पास वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ना एक कैमरा कम से कम जरूर होना चाहिए था। दूसरा सेंस, जरूर खाना यह जरूर पीना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड द मेडिसिन एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन।
आपको मेडिसिंस जरूर लेनी चाहिए थी एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं यू मस्ट हैव हैड समथिंग, यू हैव टू डिलीवर 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। आपको कुछ खा लेना चाहिए था, यू हैव टू डिलीवर 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। आपको बैक टू बैक 3 लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। अब हम बात करते हैं कुड हैव हैड, मे हैव हैड या माइट हैव हैड की। तीनों का सेंस बिल्कुल सेम निकल के आता है। क्या सेंस निकल के आता है? इसके भी दो सेंस हैं। पहला सेंस, पास हो सकता था, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात है कि पास हो सकता था, किसी के पास कुछ हो सकता था। पहला एग्जाम्पल, ही मे हैव हैड देयर सपोर्ट टू बट ही नेवर रियली मेंटेन्ड रिलेशंस। उसके पास उनका सपोर्ट भी हो सकता था लेकिन ही नेवर रियली मेंटेन्ड रिलेशंस। उसने कभी रिलेशंस मेंटेन ही नहीं किए, यानी उसने कभी अच्छे संबंधों को ना बनाए नहीं रखा। इफ यू हैड टेकन हिज डिसीजन जुडिशियसली, आई एम श्योर यू कुड हैड ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे। इफ यू हैड टेकन हिज डिसीजन जुडिशियसली, अगर उसने अपना फैसला जुडिशियसली यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से, यानी सही तरीके से लिया होता अगर उसने अपना फैसला, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, मैं निश्चित हूं, ही कुड हैव हैड ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे। उसके पास हो सकता था ह्यूज पब्लिक सपोर्ट टुडे, बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट आज। यहां पर हम कुड हैव हैड की जगह पे मे हैव हैड, माइट हैव हैड किसी का भी यूज कर सकते हैं। वी माइट हैव हैड आवर ओन मर्सिडीज टुडे बट नन ऑफ अस रियली फोकस्ड एट अर्निंग। हमारे पास आज हमारी खुद की मर्सिडीज हो सकती थी लेकिन हम में से किसी ने भी ना वाकई में अर्निंग पे फोकस नहीं किया, अर्निंग पे फोकस नहीं किया यानी कि कमाने पे फोकस नहीं किया। अब दूसरा सेंस, खा सकता था या पी सकता था। इस सेंस के लिए भी आप कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ही कुड हैव हैड द फूड फर्स्ट एंड देन गो टू ऑफिस बट ही डिसाइडेड टू फिनिश द वर्क फर्स्ट। वो पहले खाना खा सकता था एंड देन गो टू ऑफिस और उसके बाद ऑफिस जाता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि काम पहले फिनिश करे। शी माइट हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम। वो कॉफी पी सकती थी घर से निकलने से पहले। तो कोई भी व्यक्ति कुछ खा सकता था या पी सकता था जो उसने नहीं किया, बीत गई ना बात, पी सकता था या खा सकता था। ऐसे में आप कुड हैव हैड, मे हैव हैड या माइट हैव हैड तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वुड हैव हैड पे। वुड हैव हैड का मतलब क्या है? पास होता, सिंपल, किसी के पास कुछ होता। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इफ यू डिवोटेड योरसेल्फ टू लर्न इंग्लिश, यू हैव हैड अ गुड जॉब टुडे। अगर आपने इंग्लिश सीखने के लिए ना अपने आप को डिवोट किया होता, पूरी जान लगा दी होती अगर आपने, यू हैव हैड अ गुड जॉब टुडे, आपके पास होती एक अच्छी जॉब आज, आज आपके पास एक अच्छी जॉब होती। I would have had that party's support if I'd followed their advice. मेरे पास उस पार्टी का सपोर्ट होता if I'd followed their advice. अगर मैंने उनकी सलाह मानी होती। You wouldn't have had this award in your hand if Dhoni hadn't motivated the team. You wouldn't have had this award in your hand. ये अवार्ड आपके हाथ में नहीं होता, यानी आपके पास नहीं होता ये अवार्ड आपके हाथ में, if Dhoni hadn't motivated the team. अगर धोनी ने टीम को मोटिवेट नहीं किया होता तो। अब हम बात करते हैं हैज बीन और हैव बीन की। हैज बीन या हैव बीन का यूज तीन सेंस में किया जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सेंस आप में से हर कोई जानता है, किसी समय से कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से, कोई समय दिया गया होगा ना, उस समय से कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर आईएनजी का आप यूज करते हैं। अभी एग्जांपल्स में सब क्लियर होने वाला है। दूसरा सेंस होता है किसी समय से है विदाउट आईएनजी, यहां पर आईएनजी का यूज नहीं होता, अभी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा सेंस, काम किया जा चुका है, किसी काम को किया जा चुका है, जैसे मुझे भेजा जा चुका है, उसे बताया जा चुका है, इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंस होते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेंस क्या है? किसी समय से कर रहा है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जो टेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं ना, वो इजीली इस सेंस को समझ सकते हैं।
He has been playing football since morning. वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा है. सुबह से, तो देखिए सुबह से जब मैं कहता हूं ना तभी तो कह रहा हूं किसी समय से कर रहा है. सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है. यहां पर क्या काम कर रहा है? फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है. दूसरा एग्जांपल हो सकता है, वी हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज. हम आपको कई दिनों से कॉल कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में हैज बीन या हैव बीन का यूज हो जाता है. ये तो हम में से अधिकतर जानते हैं. लेकिन जो दूसरा सेंस है, किसी समय से है, जहां पर आईएनजी का यूज नहीं होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. देखिए आपके सामने एग्जांपल है, आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004. आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं 2004 से. अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कहता आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली. लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2004 से, किसी समय से, वो जैसे ही मैंने कहा ना किसी समय से, तुरंत यहां पर एम बदल गया हैज बीन या हैव बीन में. और आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव बीन. तो इसलिए यहां पर यूज हुआ हैव बीन. आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004. अच्छा मैं आपसे अगर कहूं वो घर पर है, वो घर पर है को आप कैसे मनाएंगे? ही इज एट होम. सिंपल. लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं वो काफी देर से घर पे है, वो काफी देर से घर पे है, काफी देर से, ये जो समय से की बात हो गई ना, इसीलिए तो यहां पर हैज बीन या हैव बीन में चेंज हो जाएगा. ही के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज बीन. ही हैज बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग. इसी तरह का एक एग्जांपल हो सकता है, ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड. वो मेरा दोस्त है बचपन से. अगर यहां पर बस इतना समझ लीजिए, समय से की बात ना होती ना, तो यहां पर हैज बीन की जरूरत ही नहीं थी. अगर मैं सिर्फ इतना कहता ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ठीक है. चूंकि मैंने कहा वो मेरा दोस्त बचपन से है, तो बचपन से, जैसे ही समय से की बात आ गई, तुरंत आपने वहां पर हैज बीन या हैव बीन का यूज कर लिया. तीसरा सेंस, काम किया जा चुका है. सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, दे हैव बीन आस्क्ड, उन्हें पूछा जा चुका है. अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, चूंकि ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड का यूज हो रहा है ना, दे हैव बीन आस्क्ड. अच्छा किसके द्वारा? काम को किया तो जा चुका है, पूछा जा चुका है, किसके द्वारा? अगर ये भी बताया गया हो तो कैसा सेंटेंस हो सकता है? दे हैव बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका है. यानी जिसके द्वारा उस काम को किया गया ना, बाय का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में. वी हैव बीन गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी जा चुकी हैं. वी हैव बीन गिवन द बुक्स बाय राहुल, हमें राहुल के द्वारा किताबें दी जा चुकी हैं. दिस मूवी हैज बीन सीन, ये मूवी देखी जा चुकी है. जिस तरह से हैज बीन और हैव बीन का यूज तीन अलग अलग सेंस में हुआ, पहला सेंस क्या था? किसी समय से कर रहा है, सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से कर रहा है. दूसरा सेंस था किसी समय से है. तीसरा सेंस काम किया जा चुका है पैसिव वॉइस में. उसी तरह से हैड बीन का भी यूज ठीक इसी तरह के तीन सेंस के लिए किया जाता है. पहला सेंस किसी समय से कर रहा था, सब्जेक्ट किसी काम को किसी समय से कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. दूसरा सेंस किसी समय से था, विदाउट आईएनजी, जहां पर आईएनजी का यूज ना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैज बीन और हैव बीन में हुआ. और तीसरा सेंस काम किया जा चुका था, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. पहले सेंस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेल रहा था. वी हैड बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज, हम कई दिनों से आपको कॉल कर रहे थे. बहुत सिंपल है ये. दूसरे सेंस में जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल्स लिए थे, आई हैड बीन इन दिल्ली सिंस 2004, मैं 2004 से दिल्ली में था. ही हैड बीन एट होम फॉर अ लॉन्ग, वो काफी दिनों से घर पर था. काफी दिनों से यानी काफी लंबे समय से. ही हैड बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरा दोस्त था. तीसरा सेंस काम किया जा चुका था, दे हैड बीन आस्क्ड बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा पूछा जा चुका था. वी हैड बीन गिवन द बुक्स, हमें किताबें दी जा चुकी थी. दिस मूवी हैड बीन सीन,
ये मूवी देखी जा चुकी थी, ही हैड बीन टोल्ड, उसे बताया जा चुका था, वी हैड बीन सेंट, हमें भेजा जा चुका था, इस तरह के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं शुड हैव बीन पे, शुड हैव बीन। पहला सेंस होना चाहिए था, दूसरा सेंस किया जाना चाहिए था। पैसिव वॉइस है किसका, शुड हैव का। ये बात पैसिव ऑफ मॉडल्स के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं तो रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ सेंस आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ में। पहला सेंस होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पे होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन इन द जिम राइट नाउ, हमें इस वक्त जिम में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन स्कूल राइट नाउ, आपको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। शुड हैव बीन का यूज किस सेंस में, होना चाहिए था। दूसरा सेंस किया जाना चाहिए था, किसी काम को ना किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और मैंने जैसा बताया पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे, इट शुड हैव बीन डन, ये किया जाना चाहिए था। दिस मोबाइल शुड हैव बीन सेंट फॉर रिपेयरिंग, ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन सेंट बैक होम, हमें घर वापस भेज दिया जाना चाहिए था। यानी कि जिस भी काम को करने की बात हो रही है ना, उसे किया जाना चाहिए था या किया जा चुका होना चाहिए था कि अब तक तो वो हो ही चुका होता। और जिस तरह से शुड हैव बीन का यूज दो सेंस में हम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से मस्ट हैव बीन का यूज भी दो सेंस में करेंगे। और सेंस में फर्क क्या आएगा, जरूर जरूर वाली बात। पहला सेंस जरूर होना चाहिए था, यानी होना ही चाहिए था। और दूसरा सेंस जरूर किया जाना चाहिए था, या फिर किया जाना ही चाहिए था। और ये किसका पैसिव है, ये मस्ट हैव का पैसिव है। पहले सेंस के लिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जरूर होना चाहिए था, यानी होना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन विद योर ब्रदर इन सच अ ट्रेजिक मोमेंट, आपको इतने दुखद पल में अपने भाई के साथ होना ही चाहिए था, ये तो जरूरी है। जरूरी फीलिंग जहां पर आ जाए ना, वहां पर शुड हैव बीन नहीं बल्कि मस्ट हैव बीन का आप यूज करते हैं। They all must have been in hospital right now. उन सबको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। और दूसरा सेंस जरूर किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस में। It must have been done before 1 p.m. 1 बजे से पहले ये जरूर किया जाना चाहिए था। His family must have been given police protection. उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन जरूर दिया जाना चाहिए था। अभी आप दो दो तीन तीन सेंटेंसेस से क्या सीख रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बारीकी को समझ रहे हैं अभी आप। अब देखिए, कुड हैव बीन, मे हैव बीन या माइट हैव बीन, तीनों का मतलब एक ही होता है, एक ही सेंस के लिए तीनों का यूज किया जाता है। क्या सेंस है, दो सेंस हैं। पहला सेंस हो सकता था, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। और दूसरा सेंस किया जा सकता था, पैसिव वॉइस किसका, कुड हैव का या मे हैव का या माइट हैव का। एग्जाम्पल, He could have been a good friend of mine today, but he always used me for his sake. He could have been a good friend of mine today. वो आज मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता था। यहाँ पर could have been की जगह may have been, might have been किसी का भी use कर सकता हूँ। But he always used me for his sake. लेकिन उसने हमेशा मुझे अपने फायदे के लिए use किया, अपने खातिर use किया। Varun and Pradeep may have been together, but they were quite different in nature. Varun और Pradeep may have been together. साथ में हो सकते थे, हो सकते थे, बट दे वर क्वाइट डिफरेंट नेचर, लेकिन वो नेचर में ना काफी अलग थे। यहां पर मे हैव बीन की जगह कुड हैव बीन या माइट हैव बीन का भी तो यूज कर सकते थे। यू माइट हैव बीन अंडर प्रेशर इफ कोहली हैडन्ट हिट द सेंचुरी, यू माइट हैव बीन अंडर प्रेशर, आप अंडर प्रेशर हो सकते थे, यानी आप दबाव में आ सकते थे, इफ कोहली हैडन्ट हिट द सेंचुरी, अगर कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी होती तो। अब दूसरा सेंस किया जा सकता था, जो पैसिव वॉइस का सेंस है ना, किसी काम को किया जा सकता था। He could have been sent to market, उसे मार्केट भेजा जा सकता था। We could have been asked all these questions, हमें ये सब questions पूछे जा सकते थे। They could have been seen anywhere, उन्हें कहीं भी देखा जा सकता था। पहले सेंटेंस में भेजने के काम को किया जा सकता था, दूसरे सेंटेंस में पूछने के काम को, और तीसरे सेंटेंस में देखने के काम को किया जा सकता था। अब हम बात करते हैं वुड हैव बीन की। वुड हैव बीन का यूज दो सेंस में किया जाएगा। पहला सेंस जो है ना, यह है होता या हो चुका होता या फिर बन चुका होता। और दूसरा सेंस
काम किया जा चुका होता। ये पैसिव वॉइस है वुड हैव का, किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा चुका होता। पहले सेंस होता, हो चुका होता या बन चुका होता। इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम बिफोर हैंड ही वुड हैव बीन एट होम। अगर आपने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता ही वुड हैव बीन एट होम, ही वुड हैव बीन एट होम, वो होता घर पर, यानी वो घर पर ही रहता, वो घर पर ही होता। दूसरा एग्जांपल, आई वुड हैव बीन मोर सैटिस्फाइड इफ यू हैड रिटर्न माय मनी यस्टरडे इटसेल्फ। आई वुड हैव बीन मोर सैटिस्फाइड, मैं ज्यादा संतुष्ट होता, होता या हो चुका होता, मैं ज्यादा संतुष्ट हो चुका होता या ज्यादा संतुष्ट होता इफ यू हैड रिटर्न माय मनी यस्टरडे इटसेल्फ, अगर आप मेरा पैसा मुझे कल ही लौटा देते तो, अगर आप मेरा पैसा मुझे कल ही लौटा देते तो मैं ज्यादा सेटिस्फाइड होता। इफ आई स्टडीड वेल इन स्कूल और बीन एन इंजीनियर अ टीचर और अ डॉक्टर टूडे, अगर मैंने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की होती और बीन एन इंजीनियर अ टीचर और अ डॉक्टर टूडे, मैं आज एक इंजीनियर होता, टीचर होता या एक डॉक्टर होता। अब डॉक्टर होता या डॉक्टर बन चुका होता, बात लगभग लगभग एक जैसी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वुड हैव बीन का पहला सेंस है होता, हो चुका होता या बन चुका होता। अब दूसरा सेंस जो इसका है, काम किया जा चुका होता, ये पैसिव वॉइस में है। दे वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ, वो अब तक पकड़े जा चुके होते, पकड़ने के काम को ना किया जा चुका होता, किसके द्वारा ये नहीं बताया गया यहां पर, अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। दे वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ बाय पुलिस, वो अब तक पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके होते। द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार्स बाय नाउ, दोषियों को वुड हैव बीन सेंट, कल्प्रिट्स मतलब दोषी, दोषी जो है ना, वुड हैव बीन सेंट, उन्हें भेजा जा चुका होता बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे, बाय नाउ अब तक, दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेजा जा चुका होता, यानी भेजने के काम को किया जा चुका होता। इफ वी हैड रिक्वेस्टेड वुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर हमने रिक्वेस्ट की होती हमें दिए जा चुके होते ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनको एक एक वर्ब को याद करना होगा, एक एक वर्ब के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंस क्या है उसके, उन्हें याद करना होगा। शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, आपको याद नहीं होगा ढंग से कि इसके अलग अलग क्या सेंस हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आसान होगा, पहली बात। दूसरा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है, रिलेट करिए कि वो इस वर्ब के किस पर्टिकुलर मीनिंग से रिलेटेड है। जब आप धीरे धीरे ऐसा करते जाएंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे, सही से लिखने लग जाएंगे, और फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने भी लगेंगे। तो जितने भी वर्ब्स यहां पर कवर हुई हैं, सभी वर्ब्स के नोट्स कहां पर अवेलेबल हैं, www.spokenenglish.guru, ये मेरी वेबसाइट है, और अपनी वेबसाइट पे मैंने बहुत सारा मटेरियल आपके लिए लिखा हुआ है। आप जाइएगा वेबसाइट पे, मेन्यू में जाइएगा और ट्रेंडिंग ब्लॉग्स, ट्रेंडिंग ब्लॉग्स में देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इंग्लिश सीखने की टिप्स हैं, इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस हैं, ग्रामर, स्पोकन टॉपिक्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, एसे, स्पीच, यहां पर आपको बहुत कुछ मिलता है। ग्रामर एंड स्पोकन टॉपिक्स पे अगर आप जाएंगे, यहां पर इंग्लिश की सभी वर्ब्स आपको मिल जाती हैं, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जितनी भी वर्ब्स हैं सभी हिंदी में, एसएमएस लैंग्वेज में और इंग्लिश में आपको मिल जाती है, जिससे कोई भी स्टूडेंट चाहे वो हिंदी जानता हो या ना जानता हो, सभी यहां पर आकर के इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इन वर्ब्स को समझ सकते हैं। इन वर्ब्स को कवर करने में बहुत समय लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं, वो अंग्रेजी सीखें और अपने जीवन में सक्षम बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।